ये देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा आपके 10th का, ठीक है। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया। इसको अगर हम सॉल्व करने पे आए तो एक पेज या दो पेज लगेगी। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को जो 10th में अगर आप लोगों ने सीखा है कि भाई हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक, तीन क्वेश्चन थे आपके पास 10th एनसीईआरटी में। इफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन, टू जीरोज आर गिवन, आपसे कहते थे फाइंड द रिमेनिंग टू जीरोज। तो सेम क्वेश्चन है, रूट टू एंड माइनस रूट टू आर द जीरोज ऑफ दिस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द रिमेनिंग टू जीरोज, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अगर हम उस तरह से करते थे कि रूट टू और माइनस रूट टू को लें, ये जीरोज हैं, फैक्टर बनाएं, पॉलिनोमियल बनाएं, उससे डिवाइड करें, जो एक आपका क्वेश्चन आएगा उसको फैक्टराइज करें, फिर उससे जीरोज निकालें, तब हम आंसर दें। तो ये थ्री स्टेप्स का है, दो पेज लगेंगे। सर बी ऑप्शन आया सर। लेकिन लेकिन अब आप सब बच्चे देख लो जरा ध्यान से, जो चीज मैं आपको समझा रहा था उसी को भी यहाँ कंटिन्यू कर लेते हैं। मैंने वहां नहीं बताया था कि जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ जरूरत है कि भाई अगर हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax4 bx3 cx2 + dx + e, तो आपके पास जीरोस होंगे 4, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा लैम्डा, डेल्टा, ठीक है सर। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने पहले कहा था कि हमें पहले वन का सम लेना है, फिर टू का सम लेना है, फिर थ्री का सम लेना है, फिर फोर का प्रोडक्ट लेना है। तो अगर हम वन का सम लेते हैं तो वो होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ठीक है। अगर टू का लेना है तो अल्फा को बीटा के साथ लीजिए, अल्फा को गामा के साथ लीजिए, अल्फा को डेल्टा के साथ लीजिए, बीटा को गामा के साथ लीजिए, बीटा को डेल्टा के साथ लीजिए, और ठीक है गामा को डेल्टा के साथ लीजिए। तो ये होगा टू का सम। अगर आपको थ्री का सम लेना है तो आपको लेना होगा अल्फा बीटा को गामा के साथ, अल्फा बीटा को डेल्टा के साथ, अल्फा गामा को डेल्टा के साथ, बीटा गामा को डेल्टा के साथ। अगर आपको थ्री का फोर का प्रोडक्ट लेना है, फोर का सम लेना है, तो वो सारा ऐसे आ जाएगा। रूल अभी भी वही है जो मैंने आपसे कहा था, सारे पॉलिनोमियल्स में यही होता है कि भाई वन का जो सम होना है वो बी अपॉन ए, जो टू टू का सम जो होना है वो सी अपॉन ए, थ्री का सम जो होना है वो डी अपॉन ए, और फोर का सम जो होना है वो ई अपॉन ए। अपॉन में ए आना है, बी से स्टार्ट कर लो, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये हो जाएगा बी अपॉन, और ये हो जाएगा सी अपॉन ए, और ये हो जाएगा डी अपॉन, और ये हो जाएगा ई अपॉन। और फिर क्या करो, माइनस प्लस, पहला वाला माइनस होता है, दूसरा वाला प्लस होता है, तीसरा माइनस होता है, चौथा प्लस होता है। ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई क्या, पहले ये बताओ, है यस सर। ना। अब देखो, अगर आपने ये समझ लिया, अब इतना इजी हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, अंडर रूट टू माइनस रूट टू आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर यहां मैं आपसे कहूं इस क्वेश्चन में, तो यहां पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक ही लाइन से काम हो जाएगा, गामा प्लस डेल्टा माइनस बी बाई ए होना चाहिए, और यहां बी जो है वो माइनस थ्री है और ए जो है वो टू है, तो ये है 3/2, यानी कि चारों का सम 3/2 होना चाहिए। अब हमारे पास दो जीरोस पहले से ही उसने दिए हुए, एक दिया हुआ है अंडर रूट टू और एक दिया हुआ है माइनस अंडर रूट टू, आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, अदरवाइज जरूरत नहीं थी। तो रूट टू और माइनस रूट टू का सम तो जीरो होता है, तो इसका मतलब हमारे पास जो दो जीरोस बचे जिनको हमें निकालना है वो होंगे हमारा गामा और डेल्टा, तो उनका सम 3/2 होना चाहिए। आपसे कह रहा था अदर टू जीरोस निकालने, तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं
वो हमारे अदर टू जीरोज हैं। अदर टू जीरोज का मतलब है गामा और डेल्टा। तो इन चारों में से सोच के बताओ किसका सम 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, किसका सम 1.5 आ रहा है? सर बी का। हाँ भाई सब बच्चे बताओ। सर बी। सबको सबको समझ में भी आ गया सर, मैंने क्या बी आया। सबको समझ में भी आ गया मैंने क्या किया है? यस सर। यस सर। कि भाई ये बाइक्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल था, तो बाइक्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में चार जीरोज होंगे, चार जीरोज होंगे तो उनका सम जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है। यहाँ पे ए 2 है, बी माइनस 3 है, सी माइनस 3 है, डी 6 है, ई माइनस 2 है। तो बी हो गया माइनस 3, ए हो गया 2, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3/2। तो चारों का सम 3/2 आना चाहिए। जो दो जीरोज दिए हुए हैं उनका सम तो जीरो है, तो बाकी जो दो जीरो हैं उनका सम 3/2 होना चाहिए। 3/2 का मतलब 1.5, तो 1.5 जो आ रहा है बी का ऑप्शन है 1.5। तो ये हमारा आंसर है, खत्म हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। सर क्लियर है? यस सर। यस सर। तो कोशिश करेंगे मैं अब ये दोनों शीट्स जो पिछले क्वेश्चंस कराए हैं वो भी और ये वाले भी मैं अभी फौरन डाल रहा हूं, इसको सॉल्व कर लेंगे, चेक करेंगे, कल इंशाल्लाह पॉलीनोमियल का टेस्ट होगा। ठीक है जी, कल लेंगे पॉलीनोमियल का टेस्ट या नहीं? पिछला चैप्टर कौन सा पढ़ाया था हमने? ठीक हो, ट्रिगो का टेस्ट लेंगे सर इंशाल्लाह कल को, ट्रिगो एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। टेस्ट तो नहीं होगा ना कब तक? हाँ भाई टेस्ट नहीं हुआ ना अभी तक? कल 10 नहीं सर, कल 10 मिनट का टेस्ट होगा, 10 मिनट में आपको 10 ही क्वेश्चन करने होंगे, ऑप्शंस देंगे आपको। हाँ जी 10 क्वेश्चन, ठीक है, कल ही आपका टेस्ट होगा, कल ही आपको स्कोर बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, चलिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।